पैरागॉन हाउसिंग स्कैंडल, कैसर अमीन बट की गिरफ्तारी हाई कोर्ट में चैलेंज। पैरागॉन सोसाइटी कानून के मुताबिक बनाई गई, नैप का रिकॉर्ड भी फराहम किया गया। कैसर अमीन बट की अहलिया ने लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त समाप्त के लिए मुकर्रर जस्टिस तारिक अब्बासी की सरबराही में दो रुकनी बेंच आज समाप्त करेगा। लाहौर पार्किंग कंपनी स्कैंडल, मुलजिम हाफिज नमान को आज जिस्मानी रिमांड के लिए एहतसाब अदालत पेश किए जाने का इम्कान। गुज़श्ता रोज हाफिज मियां नमान को जमानत खारिज होने पर लाहौर हाईकोर्ट से गिरफ्तार किया गया था। पार्किंग कंपनी स्कैंडल में नैप लाहौर ने साबिक सीईओ तासीर अहमद समेत पांच मुलजिमान को गिरफ्तार किया। आशियाना इकबाल स्कैंडल, फवाद हसन फवाद समेत सात मुलजिमान को आज एहतसाब अदालत में पेश किया जाएगा। मुलजिमान में फवाद हसन फवाद, आहा चीमा, शाहिद शफीक, इसरार सईद, आरिफ पर, इम्तियाज हैदर, बिलाल कुदवाई शामिल। मुलजिमान ने मिली भगत से कौमी खजाने को 660 मिलियन का नुकसान पहुंचाया। नैब नाक की सिक्योरिटी सूरत हाल या कुछ और, दो सरकारी अफसरान तब्दील। वजीर आजम इमरान खान और वजीर आला उस्मान बुज़दार का अचानक दौरा, डीपीओ और डिप्टी कमिश्नर सियालकोट को भारी पड़ गया। डीपीओ अब्दुल गफ्फार कैसर अमीन और मोहम्मद ताहिर बट्टू को ओहदों से हटा दिया गया। एसएसपी अमीर अब्दुल्ला न्यासी को नया डीपीओ लगा दिया गया। कप्तान की 100 रोजा तब्दीली में महंगाई की भी सेंचुरी, पेट्रोल आटा दालें गोश्त सब कुछ महंगा, गरीब आदमी को रोटी के लाले पड़ गए। महंगाई के ना रुकने वाले तूफान ने अवाम की चीखें निकलवा दी। खबर का असर, लाहौर न्यूज के मामला उठाने पर आला हुकाम हरकत में आ गए। महकमा एंटी करप्शन ने डायरेक्टोरेट के लिए नया दफ्तर ढूंढ लिया। दफ्तर अपर मास से ठोकर न्यास पेट मुंतकल करने का फैसला, महाना किराया 3.5 लाख रुपए तय किया जाएगा। मोटरसाइकिल सवार दोनों अफराद के लिए हेलमेट की पाबंदी लाजमी, 1 दिसंबर से बगैर हेलमेट दूसरे सवार का होगा चालान। खवातीन हो या मर्द किसी को रियायत नहीं मिलेगी। हेलमेट की फरोख्त में इजाफा, हुकूमती नरखों और मार्केट के नरखों में फर्क। दूसरों को नसीहत, खुद मियां फसीहत, आम शहरियों के लिए ट्रैफिक कवानीन पर सख्ती, पुलिस एहलकारों को खुली छुट्टी। कैनाल रोड पर बगैर हेलमेट, बगैर नंबर प्लेट और मोबाइल फोन इस्तेमाल करते एहलकार के फुटेज लाहौर न्यूज को मौसूल। पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस कैंपस में सजा अदबी मेला एहतिताम पजीर, तलबा की माबैन उर्दू इंग्लिश तकरीर, पंजाब टाकरा और मुसव्वरी के मुकाबले करवाए गए। मुकाबले जीतने वाले तलबा को 30,000 के कैश इनामात से भी नवाजा गया। यूनिक ग्रुप के जेर एहतमाम सालाना रंगारंग स्पोर्ट्स गाला, रेस, एरोबिक्स, मार्शल आर्ट और दीगर खेलों के मुकाबले क्रिकेटर फकर जमात ने जीतने वाले तलबा में मेडल्स तकसीम किए। और कौमी खवातीन क्रिकेट टीम की साबिक कप्तान बिस्मा मारूफ भी इज़दवाजी रिश्ते में बन गई। बिस्मा की शादी उनके कजन इब्रार अहमद से हुई। लाहौर में मुनाकिदा शादी की पुरवकार तकरीब में अहले खाना अजीज़ो गारब समेत साथी खिलाड़ियों ने भी शिरकत की।